हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के जो पीटीएट के एग्जाम वगैरह है 2021 वाली, उसके लिए जो न्यू अपडेट्स वगैरह आई है तो उससे रिलेटेड हम बात करते हैं। आप लोगों की जो पीटीटी एग्जाम वगैरह थी वो स्थगित कर दी गई है। आप लोगों के नॉर्मली वो पीटीटी एग्जाम वगैरह है तो वो 16 मई को होनी थी। कब होनी थी आप लोगों के? 16 मई को होनी थी जनरली। तो अब आप लोगों के क्या कर दी गई है, वो पोस्टपोन्ड वगैरह कर दी गई है। और आप लोगों की जैसे एग्जाम वगैरह होगी, न्यू अपडेट वगैरह आएगी, वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। जनरली इसके अंदर हम बात करेंगे COVID-19 वगैरह है तो उसकी वजह से स्थगित की गई है। काफी केसेस वगैरह हमारे प्रदेश के अंदर फैल रहे हैं, पूरे देश के अंदर ही फैल रहे हैं एक तरीके से। तो हमारे प्रदेश के अंदर राजस्थान प्रदेश वगैरह है तो उसके अंदर जो पीटीटी एग्जाम वगैरह लगती थी तो वो पिछले ईयर भी क्या हुआ था कि पोस्टपोन्ड वगैरह हुई थी और फिर बाद में लेट एग्जाम वगैरह लगी थी। इस ईयर भी क्या है कि COVID-19 की वजह से काफी केसेज वगैरह आ रहे हैं तो इस वजह से क्या कर दिया गया है, यानी कि जो शिक्षा विभाग वगैरह है उसके द्वारा क्या कर दिया गया, इसको पोस्टपोन्ड वगैरह कर दिया गया। तो जनरली इसके अंदर सबसे पहले तो आप लोगों की जो 12th एग्जाम वगैरह थी, 12th की, तो वो बोर्ड एग्जाम वगैरह नॉर्मली 10th 12th तो वो क्या कर दी गई, आप लोगों की जो बोर्ड एग्जाम वगैरह थी वो पोस्टपोन्ड की गई। फिर उसके बाद में नॉर्मली आप लोगों की कॉलेज एग्जाम वगैरह थी वो पोस्टपोन्ड की गई। फिर उसके बाद में आप लोगों की जो पीटीटी एग्जाम वगैरह थी वो पोस्टपोन्ड कर दी गई है। तो जनरली इसके अंदर सबसे पहले हम बात करें कि आप लोगों की जो एग्जाम्स वगैरह है तो ये तो खैर पोस्टपोन्ड कर दी गई है, लेकिन आप लोगों को जैसे काफी स्टूडेंट्स वगैरह कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारी एग्जाम होगी नहीं होगी, काफी दिनों से कमेंट्स वगैरह आ रहे थे, तो आप लोगों के पास में सफिशियंट अब टाइम दे दिया गया है। तो नॉर्मली आप लोग क्या करिए, अच्छी तरीके से बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन वगैरह कीजिए। आप लोगों की जैसे 12th वाले एग्जाम होती थी नॉर्मली, तो 12th के बाद में स्टूडेंट्स वगैरह जैसे बीएससी बीएड करते थे, बीए बीएड वगैरह करते थे, इंटीग्रेटेड कोर्स वगैरह, एंड आप लोगों की जो ग्रेजुएशन करने के बाद में आप लोगों की जो यूजी वगैरह है उसके बाद में जैसे बीएससी बीए इस तरीके से करने के बाद में आप लोग नॉर्मली बीएड वगैरह करते थे, 2 ईयर वाली जो बीएड वगैरह, तो उन सभी एग्जाम्स वगैरह को पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। तो आप लोग नॉर्मली की जैसे मान लो कि 12th के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर बाद में बीएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स वगैरह, तो नॉर्मली आप लोगों के पास में सफिशियंट टाइम वगैरह है। तो आप लोग जैसे पीटीटी एग्जाम वगैरह है तो उसके लिए भी टाइमिंग मिल गया है, क्योंकि नॉर्मली तो आप लोगों को ऐसा था कि सर 16 मई को ही एग्जाम वगैरह है, किस तरीके से प्रिपरेशन वगैरह होंगी। तो आप लोग अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कीजिए, सफिशियंट अपने पास में टाइम वगैरह है तो अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं इसके अंदर। और आप लोगों को नॉर्मली ऐसा नहीं है कि टाइम मिल गया है तो थोड़ा सा टाइम वगैरह किल वगैरह ना करें और टाइमिंगली अच्छी तरीके से बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। और आप लोगों की जैसे 12th वाला एग्जाम वगैरह हो या फिर बाद में बीएससी वाला एग्जाम, जैसे बीएससी वाले एग्जाम वगैरह है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज वगैरह स्टार्ट कर दी गई है आप लोगों के जो वीके एजुकेशन के नाम से आप लोगों का जो चैनल वगैरह है उसके ऊपर। एंड आप लोगों के जो भी और भी एग्जाम्स वगैरह हैं जैसे मान लो पीटीटी से रिलेटेड आप लोगों के जनरल साइंस वगैरह हुई तो वो भी स्टार्ट जल्द ही करवा दी जाएगी। आप लोगों के क्वेश्चंस वगैरह इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन सीरीज वगैरह है वो भी स्टार्ट करवा दी जाएगी। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, ताकि आने वाला जो वीडियो की जो भी न्यू भी अपडेट्स वगैरह है, न्यू वीडियोज वगैरह है, वो आप लोगों को मिलते रहे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।